भगवती तवती रे नील मात्रा शरो विगत विषय तृष्णा सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे हरल तर तरंगे देवी गंगे मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता जय गंगे चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर कर जाता सगर के तारे सब जग को ज्ञाता सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी दया दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता यम की त्रास मिटा कर यम के कष्ट मिटा कर परम गति पाता गोविंदा ने इस खूबसूरत गोविंदा को बनाया है उस खूबसूरत गोविंदा जो हमारे भीतर है उस ओर भी आपका ध्यान ले जाने के लिए ये संस्कृति बार बार इंगित करती है इसलिए गंगा के तट पर ये गोविंदा ताकि आप सोच सकें अगर इस गोविंदा के लिए इतना प्यार है काश उस गोविंदा के लिए भी उतना ही प्यार उतने ही संस्कार उतनी भक्ति आपके भीतर जगे इसलिए आज की गंगा आरती ओम विश्वाय देव सरित दुरिताल पराशरति यद्भद्रं गंगा ओम त्र्यंबकं महेश गंगं पुष्पवदनं काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर 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 महादेव ये प्रार्थना भाई आप लोग ये समझ लीजिए कि जो गुरु जी कह रहे थे वो इच्छाएं जो है वो उसमें है और प्रार्थना करता हूँ के गुरु कृपा मातृ कृपा ये सदैव रहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै सत्य और सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते गुरु और माता की कृपा से
सदैव कल्याण होता है, चाहे जो संकल्प हो कल्याण होगा, कृपा रहेगी और कल्पना अच्छी हो तो संकल्प सही होता है, संकल्प अच्छा हो तो कल्पना सही होती है। तो अच्छी कल्पना के साथ ये प्रार्थना कीजिए और गुरु जी जो चाह रहे हैं पर्यावरण के लिए, ये देश ऐसा कमाल का देश है, इसकी इच्छा में ही देवी है, इसकी प्रार्थना में देवी है, यहाँ के कण कण में ऐसी शक्ति है कि जो संकल्प आपको करना है वो सदैव समर्थ हो जाता है, समर्थता भी नहीं उससे आगे निकल जाता है, विल बी बियॉन्ड, यही माँ से प्रार्थना है। माँ सदैव कृपा करें और कुछ शब्द ऐसे निकले हो जो वासुदोष निर्माण करते हो, कहीं पे ब्रह्मदोष निर्माण करते हो, वो सदैव उसे माँ बाहर निकाले, उस तकलीफ से बाहर निकाले और ऐसी शक्ति दे कि हम अच्छा कार्य कर पाए। जय माँ, जय माँ।